Now students, we will study about the reaction of non-metals with hydrogen. कि हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे. हेयर द नॉन मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स. इट मीन्स अगर नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ की जाए देन हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड. हमारे पास हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अमोनिया विच जिसका फॉर्मूला हमारे पास NH3 होता है एंड मिथेन विद फॉर्मूला ऑफ CH4 हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड वाटर एटसेट्रा. तो इस टाइप के हमारे हाइड्राइड्स बन सकते हैं. अब इनमें से कुछ हाइड्राइड्स ऐसे हैं विच हैव न्यूट्रल इन नेचर एंड सम ऑफ द हाइड्राइड्स आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. तो हम क्या कह सकते हैं दीज हाइड्राइड्स आर स्टेबल कंपाउंड्स एंड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है और ये बने कैसे हैं दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू द कोवेलेंट नेचर. ये भी एक तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं. कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन. इफ वी टेक सम एग्जाम्पल्स हेयर वी हैव नाइट्रोजन. अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ करते हैं देन वी गेट NH3 तो हमें अमोनिया मिलता है. देन वी गेट अमोनिया. इट मीन्स हेयर कोवेलेंट कंपाउंड अमोनिया इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट वी हैव इफ हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद सल्फर. अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ देन वी गेट H2S गैस. हेयर हाइड्रोजन सल्फाइड इज फॉर्म्ड. हाइड्रोजन सल्फाइड इज फॉर्म्ड. एंड द लास्ट केस इज हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. मतलब जब भी हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी देन वी हैव वाटर इज फॉर्म. जिसके बारे में हम जानते हैं वेयर वाटर का जो फॉर्मूला है हमारे पास H2O. तो हेयर वाटर इज फॉर्म. तो वी कैन से दैट द नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स. जनरली हमारे पास हाइड्राइड बन रहे हैं और ये जो हाइड्राइड्स होंगे ये अपने आप में काफ़ी स्टेबल होते हैं. और नेचर के बारे में हमने बात की तो इनका जो नेचर होगा दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स.